Hello and welcome to Prepires. I am Prashant, and in this lecture we are going to see wetlands in India. Okay, तो ये lecture students के लिए immensely important होने वाला है, especially जो students prelims 2023 के लिए they are going to appear for exam. क्यों? क्योंकि इस video में हम सारे static topic as well as जो current topics है वो भी exam oriented, prelims oriented वो सारे actually cover करने वाले. Okay, so I think once you watch this particular video, especially those students who are appearing for prelims 2023, you don't have to actually refer any other source, okay, for wetlands. Okay, almost जब तक ये video publish हो रहा है उससे पहले कुछ दिनों तक सारे current affairs regarding wetlands also we are covering in this particular video. Okay, so again, once again, welcome to the PrepIS. Now, क्या इस video में what we are going to cover in this particular lecture? Okay, तो सबसे पहले हमें कुछ basics देखने हैं कि what is wetland, what are benefits of wetland, issues regarding the wetlands. We are going to see those also in short because questions could be asked on those topics also. Okay, then kuch important statistics se regarding wetland, wo bhi hame dekhna kafi important hai, usse bhi questions pucha ja sakta hai. For example, kis state mein wetland ka area sabse zyada hai, overall proportions ko kis state mein actually wetland area zyada hai, all these things will have to see. Then international initiatives like Ramsar sites, ओके रामसा कन्वेंशन, देन नगावा वेटलैंड फंड क्या है वो शायद आप बाकी सारे बुक्स में भी या करंट अफेयर्स में भी आपको नहीं मिलेगा ज्यादा. विल डिस्कस दोस टॉपिक्स. नेशनल इनिशिएटिव्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, और इसके साथ साथ नेशनल इनिशिएटिव्स में आते हैं कुछ वेटलैंड लूट्स, वेटलैंड रूल्स जो है वो, और करंट टॉपिक्स जो है वेटलैंड के, ये भी सारे डिस्कस करने वाले हैं. करंट टॉपिक्स मतलब क्या है कि कौन सी नई वेटलैंड एक्चुअली 2022 में एड हुए रामसा साइट्स एज अ रामसा साइट. बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस. And then we'll also at the end quickly we'll discuss previous year prelims questions so that we'll understand कि किस तरीके के questions actually wetland पे prelims में पूछे जा सकते हैं. Okay, तो ये एक complete lecture आपका wetlands पे होगा. So please watch this till the end so that आपका complete preparation wetland का यहाँ होगा. And we'll maintain a good speed in the lecture. Okay, now let's start with the basic first topic, that is what is wetland actually. ये wetland exactly होता क्या? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं देखूं, यहां अगर आपको डेफिनेशन दिख रहा है तो वेटलैंड इज डिफाइंड एज एनी लैंड एरिया दैट इज सैचुरेटेड और फ्लडेड विद वाटर आइदर सीजनली और परमानेंटली. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ देर इज अ एरिया विच इज सैचुरेटेड और फ्लडेड विद वाटर और वो फ्लडिंग सीजनल भी है या परमानेंट भी है तो दोनों केस में क्या है वेटलैंड जो है इसको माना जाएगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि सीजनल भी अगर फ्लडिंग है कुछ महीने तक या कंप्लीटली 12 मंथ्स तक एक्चुअली आपको वहां दिखता है कि दैट पर्टिकुलर एरिया इज सैचुरेटेड देन शुड बी कंसीडर्ड एज अ वेटलैंड. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रामसा कन्वेंशन. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन बट यू शुड एनालाइज दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन. वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. अब रामसा कन्वेंशन देखो क्या कहता है कि वेटलैंड इंक्लूड्स एरियाज ऑफ मार्श पेन पिटलैंड वाटर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल परमानेंट और टेम्पररी. ओके, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग फ्रेश और ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर. मतलब अगर वहां सॉल्ट वाटर भी है फ्रेश वाटर भी है टेम्पररी भी अगर वाटर है या परमानेंट वाटर नेचुरल वेटलैंड होगी या आर्टिफिशियल भी हो सकता है. अगर आर्टिफिशियल आपने कोई लेक क्रिएट किया है सिवन दैट इज कंसिडर्ड अ वेटलैंड. ओके, सो नेचुरल रिजर्वायर को भी वेटलैंड कहे हुए आप आर्टिफिशियल रिजर्वायर को कह सकते हो. ब्रैकिश वाटर को भी एक्चुअली कह सकते हो. फ्लोइंग वाटर भी कह सकते हो. स्टैटिक वाटर भी कह सकते हो. तो ये कॉन्सेप्चुअली समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि दिस इज बेसिकली वेटलैंड. एंड रामसा कन्वेंशन एक्चुअली टेल्स यू वन मोर क्राइटेरिया. ओके, वो क्या है एक्चुअली क्राइटेरिया कि अ मरीन वाटर टू द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर विच ऑल्सो बी कंसिडर एज अ वेटलैंड. ओके, तो मरीन वाटर जो है कौन सा वेटलैंड कहा जाएगा? क्या पूरे समुद्र को ही वेटलैंड कहना है क्या? नहीं, दैट मरीन वाटर जिसकी डेप्थ लो टाइड पे, ओके, लो टाइड पे 6 मीटर से ज्यादा नहीं होता. ओके, 6 मीटर से एक्सीड, मतलब 6 मीटर अगर है हाइट तो 6 मीटर से एक्सीड एक्चुअली नहीं करेगा लो टाइड पे. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेटलैंड. अगर लो टाइड पे हाइट 6 मीटर से एक्सीड करता है सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेटलैंड. सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. काइंडली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर प्रीलिम्स. ओके, नाउ वेटलैंड अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो हम इसको इकोटेन भी कह सकते हैं. एनवायरमेंट के टर्मिनोलॉजी के इसमें इकोलॉजी के इसको हम इकोटोन भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज इट्स अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स. एनी ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स हम इसको इकोटोन कहते हैं. तो वेटलैंड भी कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम के ट्रांजिशनल जोन है लाइक मैंग्रोव्स. ओके, मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव के एक तरफ आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम दिखती है, समुद्र दिखता है, ओशन दिखता है, और एक दूसरी तरफ क्या है, देयर इज अ लैंड. सो उसमें ट्रांजिशनल इकोसिस्टम,
तो वेटलैंड को हम इकोटोन भी कंसिडर कर सकते हैं कुछ केसेस में. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो है तो कुछ सिंपल डेफिनेशंस, लेकिन उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है फिल्म्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट. ओके नाउ वील गो टू द नेक्स्ट टॉपिक कि देखो अब इसलिए अगर आप रिवर कहते हो, लेक कहते हैं, मार्शेस है, स्वैम्प्स है, रिवर एस्चुरीज है, ऑक्सपो लेक्स हो गए, फ्लड प्लेन है, रिवर्स के, दिस आर ऑल एक्चुअली कंसिडर्ड व्हाट वेटलैंड ओनली. ओके अब थोड़ा सा वेटलैंड के बेनिफिट्स देखते हैं, वैल्यू क्रिएशन जो वेटलैंड से होता है उसको हम देख लेते हैं शॉर्ट. और उसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पे एक दो एक्चुअली पूछा गया है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर बेनिफिट्स ऑफ द वेटलैंड. ओके अब कुछ ऑब्वियस बेनिफिट्स है वेटलैंड के दैट वी नो कि ये वेटलैंड जो है ये सोर्स ऑफ वाटर एक्चुअली एक्ट करता है. ओके वेटलैंड से वी कैन गेट मेनी प्रोडक्ट्स लाइक फिश प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ एनिमल्स के प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हो गए दैट वी कैन गेट फ्रॉम द वेटलैंड. ठीक है ये काफी ऑब्वियस एक्चुअली इसका है. रिक्रिएशन और टूरिज्म के लिए रिगार्डिंग भी वेटलैंड इंपॉर्टेंट है लाइक सुंदरबंस. ओके तो इसके लिए भी वेटलैंड इंपॉर्टेंट है. वेटलैंड एजुकेशन और रिसर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. वहां रिसर्च किया जा सकता है वहां के बायोडाइवर्सिटी पे, सो वेटलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट माइग्रेटरी बर्ड्स का काफी बड़ा एक्चुअली वेटलैंड हैबिटेट होता है. जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वेटलैंड में आते हैं, वहां कुछ दिन रहते हैं उनके माइग्रेशन के दौरान, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ और कुछ कुछ क्या चीजें, वेटलैंड जो होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होती है. इकोटोन एरिया है वहां आपको काफी सारा बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली वेटलैंड में मिलता है. सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ द वेटलैंड व्हिच आर क्वाइट ऑब्वियस. और क्या क्या एडवांटेजेस है दैट वी शुड नो कि वेटलैंड जो है दे ऑल्सो एक्ट एज अ फ्लड एंड स्टॉर्म बफर्स. एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर्स वेटलैंड जो है ये एक्ट करता है व्हेन देयर इज अ फ्लडिंग ऑफ वाटर. ओके तो शॉक एब्जॉर्बर फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव है. सो इफ देर आर एक्चुअली वेव्स फ्रॉम द सी तो मैंग्रोव क्या करता है उसको वेव्स को एक्चुअली उसकी स्पीड है कम कर सकता है, उसको शॉक जो है एब्जॉर्ब कर सकता है. सो काइंड ऑफ दे एक्ट एज अ बफर अगेन दिस पर्टिकुलर फ्लड्स आर एक्स्ट्रा वाटर. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. वेटलैंड ऑल्सो एक्ट एज अ वाटर प्यूरिफायर्स. ओके जो पोल्यूटेड वाटर है उसको प्यूरिफाई करने का भी वेटलैंड काम कर सकता है. वेटलैंड में काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, दिस प्लांट्स विल एक्चुअली एब्जॉर्ब सर्टन हार्मफुल एलिमेंट्स, हार्मफुल मेटल्स होते हैं उसको कुछ प्लांट्स एक्चुअली एब्जॉर्ब करती है. सो दैट वे वी कैन से कि वेटलैंड विल काइंड ऑफ एक्ट लाइक किडनीज, किडनीज जैसे एक्चुअली वेटलैंड यहाँ पे काम करता है. ओके जो भी हार्मफुल एक्चुअली मेटल्स है उसको भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता है. एंड क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए भी वेटलैंड इंपॉर्टेंट है. वाई बिकॉज जो वेटलैंड में वहाँ की सॉइल है, वहाँ की वेटलैंड में बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं दे कैन एक्ट एज अ कार्बन स्टोरेज, ये कार्बन स्टोर कर सकते हैं. सो इन दिस वे वेटलैंड हैज डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स फॉर अस. ओके बट नाउ देर आर डिफरेंट वेज इन विच वेटलैंड आर गेटिंग हार्म्ड. ओके तो क्या क्या हार्म्स एक्चुअली वेटलैंड के लिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक काफी ऑब्वियस है पोल्यूशन. ओके पोल्यूशन इज एक्चुअली हार्म क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स. तो पोल्यूशन की वजह से वेटलैंड एक्चुअली हार्म होते हैं उसमें डिस्कस करना भी ज्यादा जरूरी नहीं है. ठीक है देन देर इज अनरेगुलेटेड टूरिज्म. अनरेगुलेटेड टूरिज्म एक्चुअली इज हार्मिंग ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम. आप हिल एरियाज में जाइएगा देर विल बी पोल्यूशन देयर, लॉट्स ऑफ टूरिस्ट विल बी देयर. वेटलैंड एरियाज में भी एक्चुअली वही हो रहा है. सो अनरेगुलेटेड टूरिज्म इज वन ऑफ द इशू. क्लाइमेट चेंज कैन बी इशू, उस वजह से वाटर लेवल कम ज्यादा एक्चुअली वेटलैंड की काफी ज्यादा मात्रा में होती है, दैट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम. इन्वेजिव स्पेसीज अगर वेटलैंड में इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ की जो स्पेसीज है उनके लिए वो हार्मफुल होती है इन्वेजिव स्पेसीज. ओके ओवर हार्वेस्टिंग या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरी, इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ के रिसोर्स जो है काफी जल्दी डिप्लेट हो जाता है. ओके फिर जो वेटलैंड का कैचमेंट एरिया जो होता है उसका डिग्रेडेशन होना. कैचमेंट मतलब जहाँ से वेटलैंड जो है वाटर कैच करता है, दैट पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया ऑफ द वेटलैंड वहाँ पे होता है काफी बार डिग्रेडेशन उसका भी हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से. सो ओवरऑल वेटलैंड इकोसिस्टम भी इससे वजह से डिग्रेड होता है. एंड लास्ट थिंग इंपॉर्टेंट, ऑल्टरेशन ऑफ नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रीजन. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब जो नेचुरल वहां का फ्लो है वाटर का उसको ऑल्टर करना, उसमें चेंज होना. उसका मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर ये वेटलैंड है और वेटलैंड को यहाँ से एक्चुअली वाटर सप्लाई हो रहा है इस पर्टिकुलर रिवर से या इस पर्टिकुलर नाले से, कहीं से भी वाटर सप्लाई हो रहा है. ओके अब मे बी बिकॉज ऑफ द मैनमेड रीजंस और नेचुरल रीजंस अगर ये वाटर सप्लाई का जो कोर्स है ये चेंज हो गया. ओके इट मीन्स वॉट, जो नेचुरल वहां हाइड्रोलॉजिकल रेजिम है वो एक्चुअली चेंज हुआ. ओके तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ वाटर सप्लाई भी कम हो जाएगा और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी वाटर सप्लाई पे डिपेंडेंट थी, इवन दैट बायोडाइवर्सिटी विल बी हार्म्ड. ओके सो ऑल्टरेशन ऑफ नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रेजिम्स, सिंपल अगर यहाँ कोई किसी ने चेक डैम क्रिएट कर दिया. ओके तो डैम की वजह से भी ये वेटलैंड को जो होती है उस
नई वेटलैंड भी वहां क्रिएट होगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो ओल्ड वेटलैंड है उसको उससे हार्म हो सकता है. सो दीज आर दी हार्म्स दैट आर एक्चुअली क्रिएटेड टू द वेटलैंड्स इन द मॉडर्न डेज. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ काफी सारे नंबर्स हो गए, आपको एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं रखना है लेकिन प्रोपोर्शन से याद रखना है. ये वेटलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं एंड वी शुड पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ अगर इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया देखना, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर इंडिया का, सो उसमें से 4.86% एरिया जो है ये वेटलैंड्स के अंडर. ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर कि इन टर्म्स ऑफ होल ज्योग्राफिकल एरिया, पूरा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वो 4.86% उसका जो है वेटलैंड के अंडर. ओके, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर इसको देखा जाए तो दैट इज 15.96, 15 अराउंड वी कैन से 16 मिलियन हेक्टर जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ओके, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेटलैंड्स, इंडिया में नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितनी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रामसर साइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल वेटलैंड्स. तो कितने इंडिया में नंबर वेटलैंड्स है, दे आर ओवर 7 लाख वेटलैंड्स इन इंडिया. 7 लाख से ज्यादा एक्चुअली क्या है, वेटलैंड है. और इन टर्म्स ऑफ टाइप अगर देखा जाए कि रिवर के अंडर कितना एरिया है वेटलैंड में, या रिजर्वॉयर्स के अंडर कितना है, टैंक्स के अंडर कितना है, तो रिवर के अंडर सबसे ज्यादा एक्चुअली एरिया है. सो आउट ऑफ ऑल द वेटलैंड एरिया उसमें 35.2% जो है रिवर के अंडर होता है. तो बस इतना भी याद रखो कि रिवर के अंडर सबसे ज्यादा एरिया आता है. फिर सेकंड नंबर पे रिजर्वॉयर्स पे आता है, देन थर्ड नंबर पे आता है इंटर टाइडल मड फ्लैट. इंटर टाइडल मड फ्लैट मतलब आप इसको मरीन वेटलैंड इसको समझ दे, लाइक मैंग्रोव्स. ओके, या एंड देन फिन टैंक्स एंड पॉन्ड्स के अंडर ये एरिया. ओके, सो पहले रिवर्स, उसके बाद होता है रिजर्वॉयर्स. ठीक है, रिजर्वॉयर्स, उसके बाद ये इंटर टाइडल मड फ्लैट, मैं यहाँ बस शॉर्ट में इसको लिखता हूँ, एंड देन लास्ट में होता है एक्चुअली टैंक्स एंड पॉन्ड्स जो होते हैं. ओके, बस ऐसा ये रेशियो भी अगर याद रखोगे दैट इज इनफ. सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेटलैंड. अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और दूसरी तरीके से एनालिसिस करने का इसका ट्राई करते हैं. देखो, एज वी से कि मोर देन 7 लाख वेटलैंड्स इंडिया में. ओके, तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं एज ए इनलैंड वेटलैंड एंड कोस्टल वेटलैंड. ओके, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इनलैंड वेटलैंड का नंबर कोस्टल वेटलैंड से काफी ज्यादा है. रिमेंबर दिस, इनलैंड वेटलैंड का नंबर कोस्टल वेटलैंड से ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ज्यादा है. 12 टाइम्स मोर, नंबर कह रहा हूँ, एरिया नहीं कह रहा. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इनलैंड वेटलैंड का नंबर जो है कोस्टल वेटलैंड से 12 टाइम्स ग्रेटर है. ओके, और एरिया वाइज अगर देखा जाए, जितना भी इंडिया में वेटलैंड एरिया है, इंडिया का पूरा एरिया नहीं कह रहे, जितना भी एरिया में वेटलैंड एरिया है उसमें इनलैंड वेटलैंड एरिया या कोस्टल वेटलैंड एरिया से काफी ज्यादा. ओके, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2 to 3 times एक्चुअली ज्यादा है. तो दिस इज होल ये 27% एंड 45%. ओके, दिस इज इनलैंड वेटलैंड एरिया, ये क्या है सारा इनलैंड वेटलैंड एरिया, और दिस एक्चुअली इज अ कोस्टलैंड वेटलैंड एरिया. तो अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से देखना तो इनलैंड वेटलैंड एरिया जो है इट इज ऑलमोस्ट 2.5 times मोर देन दी, और 3 times मोर देन दी कोस्टलैंड वेटलैंड. ओके, सिमिलर वे अगर नेचुरल वेटलैंड और मैनमेड वेटलैंड का अगर रेशियो यहाँ देखा जाए तो नेचुरल वेटलैंड एरिया जो है ये मैनमेड वेटलैंड एरिया से काफी ज्यादा एक्चुअली है दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर. ओके, तो नेचुरल वेटलैंड एरिया भी मैनमेड वेटलैंड एरिया से भी काफी ज्यादा है. तो ये दोनों रेशो जो है हमें कहीं ना कहीं याद रखना है, वी शुड नो दिस. ओके, ट्वाइस एक्चुअली ज्यादा प्रोपोर्शन उनका यहाँ कहीं ना कहीं है, आपको एग्जैक्टली नंबर याद रखने की यहाँ जरूरत है. अब थोड़ा सा स्टेट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. ओके, कि नंबर ऑफ वेटलैंड्स के टर्म में, जो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स है उसके टर्म में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड्स इंडिया में जो है तमिलनाडु में, और सेकंड नंबर पे आते हैं महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेटलैंड्स. ओके, इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज, इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज अगर देखा जाए, एरिया कवरेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेटलैंड एरिया. ओके, तो गुजरात जो है ये टॉप पे आता है, गुजरात जो है ये टॉप पे आता है. ओके, तो टोटल जितना भी इंडिया में वेटलैंड एरिया है, टोटल जितना भी वेटलैंड एरिया है इंडिया में, उसमें से 22% वेटलैंड एरिया जो है ये अकेले गुजरात में. ओके, और सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र. तो एरिया के बेस पे कह रहा हूं अगर नंबर, तो ये एरिया और नंबर के बेस पे आपको थोड़ा याद रखना चाहिए बिकॉज प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. और नंबर के बेसिस पे देखो तो तमिलनाडु एक नंबर पे है और महाराष्ट्र दो नंबर. ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट वी शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड ओवर हियर. ओके, और एक स्टेट का एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टेट. ओके, और इस स्टेट के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए
सो गोवा इज द स्टेट विच हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वेटलैंड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ गोवा इटसेल्फ। मतलब गोवा के ऑलमोस्ट 25% जो एरिया है गोवा का, ये एक्चुअली वेटलैंड के अंडर है। ऑलमोस्ट 25% एरिया ऑफ गोवा इज एक्चुअली अंडर वेटलैंड। सो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट अंडर वेटलैंड, गोवा इज टॉप। तो ये कुछ आपको यहाँ याद रखना। यहाँ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तमिलनाडु इज एट टॉप, इन टर्म्स ऑफ टोटल कवरेज विथ रिस्पेक्ट टू वेटलैंड एरिया गुजरात इज एट टॉप। इन टर्म्स ऑफ स्टेट एरिया अगर देखा जाए तो गोवा जो है, गोवा में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जो है इन टर्म्स ऑफ स्टेट एरिया एक्चुअली वेटलैंड। ओके, और रिवर बेसिन के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ गंगा रिवर बेसिन। ऑलमोस्ट 25% 24% जो वेटलैंड एरिया है गंगा रिवर बेसिन के अंडर, और सेकंड नंबर पे है लुनी एंड रिवर्स ऑफ सौराष्ट्र। ओके, तो एक नंबर पे गंगा रिवर बेसिन है और दो नंबर पे लुनी एंड रिवर्स ऑफ सौराष्ट्र है। यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर या बाकी रिवर्स नहीं है, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक नंबर पे गंगा रिवर, दूसरी लुनियान, रिवर्स ऑफ सौराष्ट्र एक्चुअली। ओके, एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम टू रिवाइज दिस थिंग्स, हार्डली हाफ अ मिनट में एक्चुअली ये सारा आप रिवाइज कर सकते हो। आपको ये बाकी स्टेट्स नहीं याद रखो सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर की, इट्स फाइन। फर्स्ट नंबर में जो है उसको कम से कम अपने कैटेगरी में याद रखिए। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग द वेटलैंड इन इंडिया। तो उस पर अगर कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया सो यू शुड बी एबल टू कंफर्टेबली आंसर दैट। ओके, अब देखते हैं कुछ इनिशिएटिव्स फॉर द वेटलैंड। तो इनिशिएटिव्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वेटलैंड्स, और दूसरा होता है एक्चुअली लोकल इनिशिएटिव जो है, लोकल मतलब इंडियन इनिशिएटिव जो है वेटलैंड्स के, वो देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वेटलैंड्स और उसके रिगार्डिंग जो करंट टॉपिक्स है वो भी सारे कवर करते हैं। देन वील कवर द इंडियन इनिशिएटिव फॉर वेटलैंड और उसके रिगार्डिंग सारे करंट टॉपिक जो है वील कवर। ओके, सो नाउ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वेटलैंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रामसार कन्वेंशन, दैट वी नो। ओके, तो रामसार कन्वेंशन के बारे में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। देखिए, रामसार कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 1971 स्पेसिफिकली। ये डेट भी याद रखोगे दैट्स गुड, फेब्रुवरी 2, 1971। ओके, एट दिस डेट एक्चुअली रामसार कन्वेंशन है, इसको साइन किया गया था। ओके, और ये डेट अब इंपॉर्टेंट भी है। वाई? बिकॉज सिंस 2022, ये करंट आपको याद रखना है, सिंस 2022 यूएन इटसेल्फ इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग ओके दिस फेब्रुवरी 2 एज द इंटरनेशनल वेटलैंड डे। फेब्रुवरी 2 इंटरनेशनल वेटलैंड डे जो है ये पहले भी एक्चुअली सेलिब्रेट होता था, बट नाउ यूएन हैज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सिंस 2022। ओके, सो सिंस 2022 फर्स्ट टाइम यूएन इटसेल्फ हैज सेलिब्रेटेड द फेब्रुवरी 2 एज अ इंटरनेशनल वेटलैंड डे, दैट यू शुड रिमेंबर ओवर हियर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो वेटलैंड ऑफ जो रामसर कन्वेंशन है इसको साइन 1971 में किया गया था, ये इट केम इनटू फोर्स इन 1975 और इंडिया एक्चुअली इसका पार्टी बना 1982 में। ओके, सो इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, वी शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड। हम 1982 में एक्चुअली इसको साइन किया हमने, मतलब फाउंडिंग जब ये फाउंड हुआ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त इंडिया ने साइन नहीं किया था, 1982 में हमने किया। ऑफिशियल नेम ऑफ द रामसार कन्वेंशन यू शुड नो, इंटरनेशनल ट्रेटी फॉर कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ रामसार कन्वेंशन डायरेक्टली आपको ये ऑफिशियल नेम प्रीलिम्स में एक्चुअली स्टेटमेंट में डाला गया, सो दैट टाइम यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये हुआ एक्चुअली रामसार कन्वेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और कुछ चीजें देखते हैं कि व्हेनेवर अ कंट्री बिकम्स द पार्टी टू द रामसार कन्वेंशन, कोई भी कंट्री जब रामसार कन्वेंशन साइन करती है, व्हेन दे बिकम पार्टी, ऑफिशियली उनको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता है, तो दे शुड वर्क ऑन थ्री पिलर्स। तीन पिलर्स पे एक्चुअली दे हैव कमिटमेंट। व्हाट आर दी पिलर्स? दे शुड वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, उनकी सारी जो वेटलैंड्स है उनका वाइज यूज हो, अच्छा यूज हो, इसके रिगार्डिंग दे शुड वर्क। ओके, देन दे शुड डिजिग्नेट सम ऑफ देयर वेटलैंड्स एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कुछ उनकी वेटलैंड जो है इन्होंने रामसार लिस्ट का पार्ट बनाना चाहिए, रामसार लिस्ट का डिजिग्नेट करने का ट्राई करना चाहिए। ओके, एंड दे शुड कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबॉर्डर वेटलैंड्स। ये तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तीन पिलर पे एक्चुअली क्या है, रामसार कन्वेंशन जो है काम करता है, इसकी सारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो साइन कंट्रीज होती है काम करती है। वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, ओके, डिजिग्नेशन ऑफ सम ऑफ द वेटलैंड्स इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसको हम रामसार लिस्ट कहते हैं, एंड कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स। ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पिलर्स ओवर हियर। और एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, व्हेनेवर अ कंट्री बिकम्स द पार्टी टू द वेटलैंड रामसार कन्वेंशन, ओके, देन दैट कंट्री मस्ट डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड एज अ वेटलैंड ऑफ
इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब एटलीस्ट वन वेटलैंड इसने जो है रामसार लिस्ट में ऐड करना है। तो यहाँ याद रखना, वेन एवर कंट्री बिकम्स अ पार्टी टू द रामसार कन्वेंशन, उनकी सारी जो साइट वेटलैंड से उसको उसको डिजिग्नेट नहीं करना है रामसार साइट्स, एटलीस्ट वन इज कंपल्सरी। ओके, सो आप रामसार लिस्ट रामसार कन्वेंशन का पार्ट बन गए तो उस कंट्री को अपने कंट्री में जो एक वेटलैंड है एटलीस्ट वन वेटलैंड को उसको रामसार लिस्ट में डालना होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर। ओके, नाउ जो रामसार कन्वेंशन है, इस रामसार कन्वेंशन के 6 ऑफिशियल पार्टनर्स है, इफ पॉसिबल रिमेंबर दो 6 ऑफिशियल पार्टनर्स। ओके, सो 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रामसार कन्वेंशन के एक्चुअली क्या है ऑफिशियल पार्टनर्स है। विच आर दो 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ओके, IUCN, देन इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। ओके, सो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ये 6 जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियल पार्टनर्स है इस पर्टिकुलर रामसार कन्वेंशन की। यू शुड नोट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। ओके, अब हम कहते हैं कि लेट्स से इंडिया में सो मेनी साइट्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रामसार लिस्ट। ओके, तो कोई भी और इस पर्टिकुलर इसका भी एक क्राइटेरिया है, मतलब एक एक्चुअली हम कह सकते हैं कंडीशन है कि व्हेन अ पार्ट व्हेन पर्टिकुलर कंट्री बिकम्स दी पार्टी टू द रामसार कन्वेंशन दैट कंट्री मस्ट डिजिग्नेट एटलीस्ट वन ऑफ इट्स साइट एज अ रामसार साइट। वैसे तो इंडिया में तो 75 है बट एटलीस्ट वन तो होना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है कि जिसके बेसिस पे अ साइट इन अ कंट्री इज डिजिग्नेटेड एज अ रामसार साइट? Those criteria should also we should know. Okay, so what are those criteria कि जिस basis पे actually country की कोई भी site जो है इसको रामसार site designate किया जाता है या wetland of international importance जो है designate किया जाता है। Okay, so you must understand ऐसे 9 criteria जो है ये यहाँ रामसार convention देता है, कि ये 9 criteria जो है ये रामसार convention देता है जिसके under किसी भी site को रामसार site designate किया जा सकता है। But अगर कोई कंट्री इसमें से एटलीस्ट वन क्राइटेरिया भी मीट करता है, एटलीस्ट वन क्राइटेरिया मीट करता है, देन दैट पर्टिकुलर साइट विल बी डिजिग्नेटेड एज द रामसार साइट। ओके, सो एनी वेटलैंड विच मीट्स एटलीस्ट वन क्राइटेरिया आउट ऑफ दिस 9 क्राइटेरिया देन दैट पर्टिकुलर वेटलैंड कैन बी डिजिग्नेटेड एज अ रामसार साइट। ओके, सो सारे 9 क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं है, कोई हो सकती है रामसार साइट, देयर माइट बी एक्चुअली मीटिंग 2-3 क्राइटेरिया, कोई रामसार साइट 4 क्राइटेरिया भी मीट करती होगी, कोई 1 भी करता है, सो 1 इज एटलीस्ट शुड बी देयर। ओके, तो इसको हमें याद रखना है। इन स्लाइड्स आपको जहां जहां भी ऐसा अंडरलाइंड वर्ड्स है, जहां बोल्ड किया हुआ हाईलाइटेड वर्ड्स है, इनको आप पे प्रॉपरली आपको ध्यान देना। द होल मटेरियल इज एक्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ताकि आपको प्रीलिम्स में उससे पढ़ने में इजीली सुविधा हो। ओके, सो कौन सी क्राइटेरिया है? सारे 9 क्राइटेरिया सर याद रखने के, जस्ट गो थ्रू देम, याद रखना तो इजी नहीं है, बट जस्ट ग्रोथ हुई है उनकी वर्डिंग्स किस बेसिस पे क्राइटेरियाज अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आइडेंटिफाई करने में आपके लिए इजी हो सकता है। ओके, तो उसमें एक ग्रुप पे क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया 1 है। ओके, ये क्या कहता है? वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव रेयर यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायोग्राफिक रीजन। ओके, तो कोई भी एक वेटलैंड जिसपे रेयर यूनिक नेचुरल वेटलैंड अगर है तो उसको आप जो है डिजिग्नेट कर सकते हैं यहाँ पे वेटलैंड, ये क्राइटेरिया 1 है। उसी तरीके से 3 क्राइटेरिया ये स्पेसिस के बेसिस पे। ओके, सो लेट्स से इफ अ वेटलैंड सपोर्ट्स वल्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसिस, कोई वेटलैंड है और ये एक्चुअली किसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसिस को वल्नरेबल स्पेसिस को सपोर्ट कर रहा है तो उस वेटलैंड को भी क्या है आप डिजिग्नेट कर सकते हो। ओके, अगर किसी वेटलैंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आप यहाँ पे वेटलैंड डिजिग्नेट कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से 3 ये जो क्राइटेरिया है दे आर बेस्ड ऑन द स्पेसिस एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज का कंजर्वेशन। ओके, फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है दे आर बेस्ड ऑन द वाटर बर्ड्स। ओके, तो क्राइटेरिया 5 क्या कहता है? वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट इज रेगुलरली सपोर्टिंग 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, ये नंबर बस याद रखिएगा आप यहाँ पे। ओके, ये सारे क्राइटेरिया याद रखने की जरूरत नहीं, बजट गो थ्रू दिस के वाटर बर्ड्स के बेसिस पे भी एक्चुअली एक क्राइटेरिया है कि अगर एटलीस्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स कोई वेटलैंड सपोर्ट कर रहा है देन
वी कैन एक्चुअली कंसिडर दैट वेटलैंड एज अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है उसको डिजिग्नेट किया जा सकता है। इसी तरीके से क्राइटेरिया 6 है, देन देर आर टू क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन फिश ऑल्सो, फिशिंग के रिगार्डिंग भी एक्चुअली टू क्राइटेरियाज है, एंड लास्ट क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द टैक्स। ओके, तो ऐसे 9 डिफरेंट क्राइटेरियाज है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड अगर एक भी क्राइटेरिया वेटलैंड मीट करता है सो दिस पर्टिकुलर वेटलैंड कुड बी कंसिडर एज अ रामसर साइट, उसको डिजिग्नेट किया जा सकता है, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ये हुआ एक्चुअली आपके रामसर साइट्स के कुछ बेसिक्स। ओके, नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये भी आपको पता होगा कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये एक रजिस्टर्ड है, ये हम कह सकते हैं रजिस्टर है या लिस्ट है, विच इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट ओनली। जो रामसर साइट्स की लिस्ट है उसी का ही पार्ट एक्चुअली एक और लिस्ट होता है, एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट इटसेल्फ वन रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ओके, सो व्हाट इज दिस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, दिस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज बेसिकली अ रजिस्टर ऑफ दोज रामसर साइट्स वेर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड और ऑकरिंग और लाइकली टू ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पोल्यूशन एंड अदर ह्यूमन इंटरफेस। तो क्या क्या एक्चुअली ये कह रहा है कि ऐसे रामसर साइट्स का, तो बेसिकली सबसे पहले हमें यहां याद रखना है क्या कि इस पर्टिकुलर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रामसर, कुछ रामसर साइट्स ही लिस्टेड है, बाकी वेटलैंड्स नहीं है। जो ऑलरेडी रामसर साइट्स है उसमें से कुछ वेटलैंड इसमें एक्चुअली लिस्टेड है, लेकिन कौन सी वेटलैंड्स, ऐसी रामसर साइट्स लिस्टेड है जिसमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स के चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी, या होने वाले हैं, या लाइकली टू ऑकर, या हो रहे हैं या होने वाले। ओके, सो इन शॉर्ट उस वेटलैंड में काफी ज्यादा डिग्रेडेशन एक्चुअली हुआ है। व्हाई? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इफ दैट इज हैपनिंग वेटलैंड में, उस रामसर साइट में काफी डिग्रेडेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर के चेंजेस हो रहे हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी काफी मात्रा में हार्म हो रहा है, सो दैट इज एक्चुअली मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उस साइट्स को डाला जाता है। अब उस पर्टिकुलर साइट को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट बनाना है नहीं बनाना है, ये कंट्री के लिए कंपल्सरी नहीं, इट्स अ वॉलंटरी बेसिस पे एक्चुअली होता है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो इंडिया की कौन सी साइट्स, इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स है करंटली, इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स आर देयर। ओके, और इस ईयर 2022 में ही काफी सारी रामसर साइट्स एक्चुअली ऐड की गई है, सो वी विल डिस्कस, वी विल सी ऑल दोस रामसर साइट्स आल्सो। ओके, तो दो है, केवलादेव और लोकतक लेक, ये दो ही साइट्स करंटली जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हमारा पार्ट है। चिल्का लेक वॉज ऑल्सो देयर बट चिल्का लेक वॉज लेटर रिमूव्ड, सो दो ही है, इसको भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ याद रखना। ओके, तो थोड़ा सा अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दो ही साइट है, वी अंडरस्टूड दैट। अब थोड़ा स्टैट्स देखते हैं, थोड़ा करंट पार्ट देखते हैं रिगार्डिंग द रामसर साइट्स इंडिया, कि इंडिया में कितनी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स। ओके, सो टोटल इंडिया में करंटली द इस डेट पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो 75 रामसर साइट्स आर देयर। ओके, 75 रामसर साइट्स आर देयर, और अगर कोई भी साउथ एशियन कंट्री देखा जाए तो साउथ एशियन कंट्री में इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, इन एनी साउथ एशियन कंट्री वी हैव मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ओके, उसमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है इंडिया में, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो ओवरऑल वेटलैंड भी अगर देखा जाए तो नंबर की टर्म्स में सबसे ज्यादा वेटलैंड तमिलनाडु में, और रामसर साइट्स के टर्म्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में, सेकंड स्टेट जो है दैट इज यूपी। ओके, सबसे पहले इंडिया में कौन सी साइट्स वेटलैंड्स एक्चुअली रामसर साइट डिजिग्नेट हुआ था, चिल्का लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क, ये सबसे पहले एक्चुअली क्या है एज अ रामसर साइट डिजिग्नेट हुआ था इंडिया में। द बिगेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन सी है, दैट इज सुंदरबन, सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, एंड रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में। ओके, ये सबसे छोटी रामसर साइट इंडिया में है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट, हार्डली 20 हेक्टर का एरिया है, मतलब एक जो फार्मर की लैंड, एक बड़े फार्मर की लैंड हो सकती है उतना ही इसका एरिया है रेणुका वेटलैंड का, बट दैट इज द स्मॉलेस्ट साइट इन इंडिया, वो हिमाचल प्रदेश। ओके, अब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो कोबाक पेनिनसुला है, ये इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट रामसर साइट जो है डिजिग्नेट हुआ था 1974 में, कोबाक पेनिनसुला। ओके, और मतलब ये रामसर, यहाँ रामसर कन्वेंशन साइन होने के बाद 3 साल में ये फर्स्ट एक्चुअली साइट जो है रामसर लिस्ट में डाला गया था। ओके, और इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है ये यूके में है, और 2 नंबर पे मेक्सिको में। ओके, और बोलिविया ऐसी कंट्री है कि जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट का एरिया एक्चुअली है, मतलब कन्वेंशन के प्रोटेक्शन के अंडर सबसे ज्यादा एरिया बोलिविया इस कंट्री में है,
और नंबर के टर्म्स में अगर देखा जाए रामसर साइट सबसे ज्यादा यूके में सेकंड नंबर पे मैक्सिमम में है, वी शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये टोटल इंडिया का मैप है जिसके अंडर आप देख सकते हो डिफरेंट रामसर साइट्स। लाइक वी हैड सीन तमिलनाडु में, यू विल सी दिस, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्चुअली रामसर साइट्स है हाईएस्ट नंबर। सेकंड नंबर हमने देखा था यूपी में है, ओके राजस्थान में थोड़ी कम होगा। तो दिस इज हाउ वी शुड नो दिस पर्टिकुलर, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर देख रहे हैं, वो भी रामसर साइट का, टोटल वेटलैंड्स का नहीं देख रहे, ना ही हम एरिया यहाँ देख रहे हैं। ओके सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द टोटल मैप रिगार्डिंग ऑल द 75 रामसर साइट्स ओवर हियर। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या सारी 75 साइट्स और उसके फीचर्स हमने पढ़ना चाहिए? देखिए यू कैन डू दैट, बट दिस इज नॉट ओनली टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन प्रीलिम्स 2020, राइट? दिस इज नॉट द ओनली टॉपिक। तो फिर ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? बेस्ट वे कि जो 2022 में, मतलब जिस टाइम आप प्रीलिम्स दे रहे हो उस टाइम पे कौन से रामसर साइट्स एक्चुअली ऐड हुआ है, ओके यू ट्राई टू स्टडी दोज रामसर साइट्स, एटलीस्ट कौन से ऐड हुआ है, कौन से स्टेट में हो, इतना तो देख लेना। ओके सो आई हैव डन दैट वर्क फॉर यू। तो 2022 में देखो काफी सारी रामसर साइट जो है ऐड हुई, एंड दैट्स व्हाई नंबर इज 75। तो कौन से ऐड हुआ है? अगस्त 2022 में 11 वेटलैंड्स एक्चुअली ऐड हुआ था एज अ रामसर साइट्स, इनको रामसर साइट्स का डिजिग्नेशन दिया गया। ओके तो कौन से मंथ में डिजिग्नेशन दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसेंट बस आप देख लेना। फॉर एग्जांपल तीन इसमें से ओडिशा से, तो स्टेट और रामसर साइट यू शुड गो थ्रू दैट, तंपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर एंड अंसुपाली, ये तीन जो है ये इसी साल रामसर जो है साइट्स एक्चुअली बनी है ओडिशा से, एमपी से यशवंत सागर, ओके तमिलनाडु से सो मेनी वेटलैंड्स आर, देर आर मेनी मोर तमिलनाडु से है, बट दीज आर देखिए आप चित्रागुंदी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है ये वधुवर बर्ड सेंचुरी है, कंजरकुलम बर्ड सेंचुरी इज देयर, महाराष्ट्र से एक है ठाणे क्रीक, ओके जम्मू कश्मीर से देर आर एक्चुअली सर्टन वेटलैंड दैट वर एक्चुअली एडेड। सो जस्ट गो थ्रू दिस बिफोर एग्जाम, कौन से स्टेट में क्या ये तो पता चल जाएगा, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन दी रामसर साइट एंड इन विच स्टेट दे आर, ओके देन उसी ऑगस्ट मंथ के आसपास ही फ्यू मोर एक्चुअली साइट्स वेर एडेड रामसर साइट, सो उसमें देखना तमिलनाडु में कितनी सारी है, ओके वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, वंबानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर ऑल एक्चुअली डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट। गोवा में एक है नंदा लेक, ओके उड़ीसा में है सतकोसिया गॉच, ओके उसी तरीके से एमपी में और एक सिरपुर वेटलैंड है, कर्नाटका में ऑल्सो देर आर सर्टन साइट्स विच आर एडेड। अगर हम 2022 में थोड़ा पीछे चले जाए, जुलाई 2022 में, डोंट रिमेंबर दिस मंथ्स नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां अगेन 5 रामसर साइट्स वर एडेड, अगेन 3 फ्रॉम तमिलनाडु, वेरी लार्ज नंबर, पिंचावरम मैंग्रोव, ओके सॉरी पिंचावरम मैंग्रोव, फिर पल्ली करनाई माश रिजर्व एंड ये करिकिली बर्ड सेंचुरी, ये ऑल थ्री वेर एक्चुअली फ्रॉम तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से साख्य सागर और मिजोरम से पाला वेटलैंड, पालाल वेटलैंड फ्रॉम मिजोरम, सो दिस 5 वेर एडेड एज अ रामसर साइट, और उसके पहले 2, ओके ये खिजादिया बर्ग सेंचुरी फ्रॉम गुजरात एंड वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये फेब्रुवरी 2022 में जो है ये एड हुआ था। सो द पॉइंट हियर इज जनवरी 2022 से लेके अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स रिगार्डिंग दी रामसर साइट्स वी आर एक्चुअली कवरिंग ओवर हियर, रिगार्डिंग वेटलैंड्स वी आर कवरिंग ओवर, ओके तो ये जो न्यू रामसर साइट्स है दैट वेर एक्चुअली एडेड 2022 ईयर इटसेल्फ। तो कम से कम जस्ट गो थ्रू दिस, कौन से स्टेट में कौन से नया ऐड हुआ है, सो दैट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर द पार्ट्स ऑफ रामसर लिस्ट, तो वो पॉसिबिलिटी है कि करंट कोई ना कोई वेटलैंड का उसमें नेम हो, या फिर स्टेट के साथ आप उसको मैच कर सकते हो। आपको ये ऐसे मगअप नहीं करना है, बट जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दिस, 2-3 बार उसको रिवाइज करने के लिए ट्राई करके देखना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जाम इन एनी वे, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट यू शुड नो, दैट इज ये नगाओ वेटलैंड फंड क्या है, ओके तो ये डेवलपिंग न्यूज है एक्चुअली, इस नगाओ वेटलैंड फंड ये क्या है, वी शुड नो बी एक्चुअली नोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। देखिए ये नगाओ वेटलैंड फंड क्या है, ये एक सपोर्ट फंड है, हम कह सकते हैं सपोर्ट फंड है, ओके सो जो लोकल गवर्नमेंट्स है डिफरेंट कंट्रीज में, वहां के रिसर्चर्स है, ओके एनजीओज है, लेकिन कौन से रीजन की, रिमेंबर दिस, कंट्रीज इन एशिया एंड ओशनिया रीजन, एशियन रीजन एंड ओशनिया रीजन, यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट रिसर्चर्स है वो जो वेटलैंड कॉन्जर्वेशन की रिगार्डिंग या कन्वेंशन में वेटलैंड को इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, उनके मदद के लिए ये पर्टिकुलर फंड है,
सो दो रीजन है, ओशनिया रीजन एंड कंट्रीज इन द एशिया, वहां के चाहे एनजीओ हो, गवर्नमेंट हो, रिसर्च हो, वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग दिस और अचीविंग दिस टारगेट्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर 2016-20 और 2024, ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर फंड। ओके, तो इस फंड के अंडर, इस फंड के अंडर एक्चुअली एक ही प्रोजेक्ट पर कंट्री पर ईयर जो है ये अप्रूव किया जाता है, बिकॉज फंडिंग इज लिमिटेड, सो वन प्रोजेक्ट पर कंट्री पर ईयर जो है यहाँ अप्रूव किया जाता है इस फंडिंग में, इसको याद रखना है, ओनली वन प्रोजेक्ट पर कंट्री पर ईयर, एंड मैक्सिमम जो एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जाता है दैट इज 30,000 USD। ओके, एंड हु रन दिस पर्टिकुलर फंड, एडमिनिस्टर दिस पर्टिकुलर फंड, सेक्रेटरी टू द कन्वेंशन टू द वेटलैंड, ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर फंड को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एडमिनिस्टर करते हैं। तो देयर आर फ्यू फैक्ट्स यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड जो प्रीलिम्स में एक्चुअली पूछा जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव। रिमेंबर दिस एसडीजी का गोल 6 का टारगेट 6 जो है, इवन दिस आस्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स। ओके, सो एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 टारगेट 6 जो है, इट सेज कंट्री शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट रिस्टोर द वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम इंक्लूडिंग वेटलैंड्स रिवर्स एंड एक्वीफर्स। सो इसमें भी वेटलैंड प्रोटेक्शन का मेंशन है। ओके, देन प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड इज ऑल्सो प्रायोरिटी फॉर यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एज वेल एज अ स्पेशल फोकस ऑफ यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये जो स्पेशल फोकस ऑन यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम, इसका भी एक्चुअली एक स्पेशल फोकस है, किसका, यूएन डिकेड ऑन इकोनॉमिक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसके फेसिलिटेशन में एक्चुअली वेटलैंड, वी शुड नो दैट। ओके, एंड दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन कि फॉर द फर्स्ट टाइम 2 February इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे बाय यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ, एज अ इंटरनेशनल डे यूनाइटेड नेशन भी एक्चुअली इसको ऑब्जर्व कर रहा है। So these are some of the international things, initiatives that we should know regarding the wetland. Okay, अब national initiatives regarding the wetland पे हम आते हैं, और important जैसे wetland conservation management role 2017 ने national initiative है, इसी तरीके से wetland conservation management role 2010 was there, और उसपे UPSC ने already एक बार prelims में question भी पूछा, I will show you that question also today. Okay, and as an assignment I can give that question also today. So we'll discuss that question. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो इंडियन इनिशिएटिव्स है इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, जहां जहां जो जो पॉइंट्स है हाईलाइट किया है नोट्स में, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उस पे आपको काफी अच्छे से ध्यान देना। ओके, सो इंडियन इनिशिएटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है दैट इज वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। तो जो पहले 2010 के रूल्स थे इसको ये रूल्स एक्चुअली रिप्लेस करते हैं, सुपरसीड करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ओके, तो क्या क्या है, देखिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। ओके, तो ये सबसे पहले स्टेट लेवल पे स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है इसको एस्टैब्लिश करता है। सो इट एस्टैब्लिशेस द स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एट स्टेट लेवल, एंड इट विल बी हेडेड बाय द स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर, स्टेट के एनवायरनमेंट मिनिस्टर इसको हेड करेंगे। एंड इस स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी में कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, विच एक्सपर्ट्स, वेटलैंड इकोलॉजी फील्ड से एक्सपर्ट, हाइड्रोलॉजी से एक्सपर्ट्स, फिशरीज से एक्सपर्ट, लैंडस्केप प्लानिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट जो है, दोज विल बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो इट विल बी हेडेड बाय द स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर, याद रखना। ओके, एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम दिस डिफरेंट फील्ड्स विल बी नॉमिनेटेड टू दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी, ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी होगी, क्या काम करेगी विल डिस्कस दैट। ओके, ये स्टेट लेवल पे एक बॉडी इसने एस्टैब्लिश किया है। सेकंड बॉडी जो है नेशनल वेटलैंड कमिटी विल ऑल्सो बी एस्टैब्लिश्ड बाय दिस पर्टिकुलर वेटलैंड मैनेजमेंट, ये भी इसने एस्टैब्लिश किया है, नेशनल वेटलैंड कमिटी। ओके, तो ऑलरेडी वी हैड समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये सेंट्रल वेटलैंड अथॉरिटी को रिप्लेस करेगा नेशनल वेटलैंड कमिटी, एंड नेशनल वेटलैंड कमिटी विल बी हेडेड बाय हूम, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ मिनिस्टर इसको हेड नहीं करे, स्टेट लेवल पे मिनिस्टर वॉज हेडिंग, यहाँ सेक्रेटरी इज एक्चुअली हेडिंग टू द नेशनल वेटलैंड कमिटी। ओके, नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का काम है कि कौन सी एक्टिविटीज रेगुलेट की जाएगी वेटलैंड में, कौन सी परमिट किया जाएगा। ओके, एडिशनल कौन सी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज होगी, ये सारा नोटिफाई करना। ओके, देन वेटलैंड के यूज के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज को डिफाइन करना, उसको डेवलप करना है। ओके, मेजर्स रिकमेंड करने हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, ये सारा काम जो है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का होगा। ओके, और नेशनल वेटलैंड कमेटी का काम क्या होगा, ये जो भी रूल्स है 2017 को
इसको मॉनिटर करना, इसका इंप्लीमेंटेशन मॉनिटर करना. ओके, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना विद रिस्पेक्ट टू एडवाइस पॉलिसीज रिगार्डिंग द वेटलैंड. देन ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडिंग द डिजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन. कौन सी साइट रामसार कन्वेंशन के अंडर डिजिग्नेट करना चाहिए. ओके, इवन दैट इज रिकमेंडेड बाय दिस पर्टिकुलर कमिटी. एंड मोस्ट वन मोर थिंग, चाहे वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी हो या नेशनल वेटलैंड कमिटी, दीज आर जस्ट एडवाइजरी बॉडीज या रिकमेंडरी बॉडीज, ये बस रिकमेंडेशंस कर सकते. ओके, उनके रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं होते गवर्नमेंट पे, दैट वी शुड अंडरस्टैंड. ओके, और इंटरनेशनल एजेंसी के साथ कैसे कोलैबोरेट करें रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, दिस नेशनल वेटलैंड कमिटी जो है ये हम कह सकते हैं कि यहाँ एडवाइस कर सकता है. तो ये हुआ रोल स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और नेशनल वेटलैंड कमिटी का. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या है इस रूल्स में, मैंडेटरी फॉर स्टेट अथॉरिटीज टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल वेटलैंड्स एंड लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स टू बी नोटिफाइड विद इन 6 months. मतलब उस स्टेट में जितनी भी वेटलैंड से उसको एक्चुअली लिस्ट करना है स्टेट को. इस रूल्स में ऐसा लिखा है कि जितने भी, फॉर एग्जाम्पल गोवा है, गोवा में जितने वेटलैंड्स है, नॉट ओनली रामसर साइट्स, जितने भी वेटलैंड्स है उसको गोवा को लिस्ट करना है. ओके, एंड 6 months में इस लिस्ट को पब्लिश करना है, नोटिफाई. अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिजिटल इन्वेंटरी बनाई जाएगी ऑफ ऑल वेटलैंड्स. एक बार सारे स्टेट्स ने अपनी लिस्ट बना दी, फिर उसके बाद उस डिजिटल इन्वेंटरी जो है सारे वेटलैंड्स की उसमें बनाया जाएगा. ओके, और एवरी 10 ईयर्स दिस पर्टिकुलर इन्वेंटरी विल बी अपडेटेड. एंड दिस रूल्स ऑल्सो प्रोहिबिट सर्टन एक्टिविटीज इन दिस पर्टिकुलर वेटलैंड. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड टू द नॉन वेटलैंड एरिया. ओके, सेटिंग अप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दैट वेटलैंड, वेस्ट डंपिंग, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, ये सारे कुछ कुछ एक्टिविटीज है, ये स्ट्रिक्टली ये रूल जो है प्रोहिबिट यहाँ करते हैं. सो यू शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो ये रूल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी रूल्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. सो यू शुड एक्चुअली रीड दिस रूल्स केयरफुली. ओके, अब आगे थोड़ा जाते हैं. ये फर्स्ट इनिशिएटिव जो नेशनल इनिशिएटिव रिगार्डिंग रूल्स था 2017 के वेटलैंड रूल्स, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. ओके, सो सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एस्टैब्लिश किया है. सो ये जो सेंटर है, याद रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट. सो वी हैव अ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसी का एक्चुअली ये पार्ट है दिस पर्टिकुलर सेंटर. एंड हाउ दिस सेंटर इज गोइंग टू वर्क, दिस सेंटर इज गोइंग टू एक्ट एज अ नॉलेज हब. एक सेंट्रल हब होगा वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के रिसर्च के लिए, यूजर्स जो होंगे वेटलैंड कंजर्वेशन जो करने वाले एक्सपर्ट्स उनके नॉलेज एक्सचेंज के लिए ये सेंट्रल एक्चुअली हब होगा. ओके, सो रिसर्च नीड से एड्रेस करेगा, नॉलेज गैप से इसको एड्रेस करने का ये काम करेगा. याद रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट. ओके, देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज अ नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम. ओके, सो ये नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ये भी एक्चुअली प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड इनटू नॉन वेटलैंड एरियाज. तो ये भी एक्चुअली वेटलैंड का पोल्यूशन जो है ये कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करना चाहता है. नेशनल मिशन ऑफ फॉर क्लीन गंगा में भी एक्चुअली वेटलैंड्स के रिगार्डिंग कुछ कुछ इनिशिएटिव्स है. ओके, एंड देन वाटर पोल्यूशन एक्ट होगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल ऑफ 2017, ये सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट. और ये बस यू शुड रिमेंबर कि इवन दिस ये इकोसिस्टम रूल है या फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, रेगुलेशन जैसे वाटर प्रिवेंशन एक्ट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेटलैंड को सपोर्ट करता है कंजर्व करने का टाइम. एक्चुअली ये आपको कह सकते हैं कि ये कंजर्व करने का यहाँ प्रयास करता है. ओके, तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग, नेशनल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग दी वेटलैंड. ओके, तो हमने अभी तक ऑलमोस्ट वेटलैंड क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स के बाद वेटलैंड में क्या इश्यूज है, उसके इंटरनेशनल कौन सी इनिशिएटिव्स है, रामसार लिस्ट, सारी रामसार लिस्ट में अभी ये करंटली कौन सी साइट्स ऐड की गई है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन इंडिया से, डिस्ट्रीब्यूशन भी वेटलैंड का हमने देखा है, और नेशनल इनिशिएटिव्स भी सारे देख लिए. यू डोंट हैव टू रीड एनी बुक रिगार्डिंग वेटलैंड. ओके, नाउ वंस वी हैव डन दिस, और कुछ ऐसी वेटलैंड्स थी जो न्यूज में थी, वील डिस्कस दोस. ऐसे थोड़ी वेटलैंड्स है, शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स इन द न्यूज, जो न्यूज में एक्चुअली था सिंस लास्ट वन ईयर, वन एंड हाफ ईयर एक्चुअली हम कह सकते हैं. सो ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर की न्यूज मैंने कवर करने का याद रहा. तो उसका न्यूज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि न्यू साइट्स दैट आर डिजिग्नेटेड रामसार लिस्ट, दोज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड.
तो बाकी कौन सी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, लेट्स गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग. एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है एक्चुअली पंटनाल वेटलैंड. इट वॉज इन न्यूज मोस्टली. ये जो सारी वेटलैंड न्यूज में इसलिए थी बिकॉज ऑफ देयर डिग्रेडेशन. ओके, सो न्यूज हम नहीं देखते डायरेक्टली वेटलैंड के बारे में देखते बिकॉज मोस्टली उनकी जो न्यूज थी वेटलैंड डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग. ओके, तो ये पंटनाल वेटलैंड जो है ये इंडियन वेटलैंड नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इन साउथ अमेरिका. ओके, ये कहा है साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में मोस्टली इसका एरिया जो है ये ब्राजील में. मोस्टली कहाँ पे एरिया? ब्राजील में. और उसका कुछ एरिया जो है बोलीविया और पराग्वे में. तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसनेशनल वेटलैंड है, और तीन कंट्री इसके रिगार्डिंग याद रखिएगा, लेकिन इसका मोस्टली एरिया जो ब्राजील में, और बाकी कुछ एरिया इसका यू कैन सी इन द मैप यहाँ पराग्वे में और बोलीविया में. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एक्चुअली है. एंड लास्ट थिंग, एप्पल स्नेल जो है यहाँ की कीस्टोन स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है. ओके, सो दिस इज पंटनल वेटलैंड. तो इसके कुछ जो फीचर्स हमने यहाँ डिस्कस किए, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग. सेकंड विच वॉज इन न्यूज, दैट इज दीपोर बिल. ओके, तो दीपोर बिल जो है, ये दीपोर बिल बेसिकली कहाँ है, वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी. तो ये आसाम से. तो बेसिकली ये बिल मतलब होता है वेटलैंड, या लार्ज कोई एक्वेटिक बॉडी होगी, लार्ज कोई ऐसा तालाब होगा, तो उसको आसाम इसमें बिल कहते हैं. तो दीपोर बिल बेसिकली ये आसाम में है गुवाहाटी के पास. ओके, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन वेटलैंड इंडिया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली में सिचुएटेड है. सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन वेटलैंड है. इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज द इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लव इंटरनेशनल, एंड इट इज अफकोर्स इट इज अ रामसर साइट, इंपॉर्टेंट रामसर साइट है. तो ये रामसर साइट इसको 2002 में डिजिग्नेट किया गया था, एंड इट्स अ इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिजिग्नेटेड बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑल्सो. सो रिमेंबर दिस फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस. नेक्स्ट वेटलैंड इज भोज वेटलैंड. भोज वेटलैंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, भोपाल के अराउंड दिस पर्टिकुलर भोज वेटलैंड. नाउ दिस इज ऑल्सो अ रामसर साइट. इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू शुड नो रिगार्डिंग दिस, कि जो राजा भोज हिस्ट्री में थे, जो रूलर ऑफ मालवा थे, इट इज सेड कि रूलर ऑफ मालवा राजा भोज एक्चुअली हैज क्रिएटेड दिस भोजतल या भोज वेटलैंड. ओके, तो दो लेक एक्चुअली यहाँ पे, अपर लेक एंड लोअर लेक. तो दैट यू डोंट हैव टू नो, बट आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है या याद रखने की. ओनली थिंग इज यू शुड रिमेंबर कि राजा भोज जो है इन्होंने एक्चुअली ये वेटलैंड क्रिएट किया है, ये तालाब एक्चुअली क्रिएट किया था. ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, ये वाटर सप्लाई के लिए भी वहाँ इंपॉर्टेंट है, फिशेस के लिए भी दिस पर्टिकुलर वेटलैंड इज इम्पॉर्टेंट. इट्स अ रामसर साइट, रिमेंबर वेयर इट इज. ओके, और इसका हिस्टोरिकल एंगल भी हमें याद रखना है. देन नेक्स्ट वेटलैंड विच वॉज इन न्यूज, दैट इज वेम्बनाड लेक. ओके, सो वेम्बनाड लेक जो है ये ऑलरेडी काफी फेमस वेटलैंड है, पुराना वेटलैंड इंडिया का. इट इज ऑलरेडी अ रामसर साइट. सो वेम्बनाड लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला एंड लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, इट्स द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट लेक इन केरला. ओके, सो सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया में कौन सी है? दैट इज सुंदरबंस. एंड सेकंड जो बिग रामसर साइट इंडिया में है, सेकंड लार्जेस्ट, दैट इज एक्चुअली वेम्बनाड लेक. सो इट्स द सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट लेक इन केरला. ओके, सो इस लेक में, लेक का जो सोर्स ऑफ वाटर है, देर आर फोर रिवर्स एक्चुअली दैट सोर्स द वाटर टू दिस पर्टिकुलर लेक. दैट इज मीनाचिल, अचानकोविल, पंपा एंड मणिमला. जनरली ये रिवर जो होती है इंपॉर्टेंट होता है, कौन से रिवर एक्चुअली उस वेटलैंड को सोर्स करती है. मीनाचिल, अचानकोविल, पंपा एंड मणिमला, दैट वी शुड नो ओवर हियर. ओके, और ये कहीं ना कहीं पॉपुलर बैक वाटर भी है ये का. एंड यू नो दैट यू माइट हैव स्टडीड दिस इन एनसीईआरटी ऑल्सो, कि वल्लम कली जो एक स्नेक बोट रेस होती है, यहाँ आपको दिख रहा है स्नेक बोट रेस जनरली अगस्त में होती है यहाँ पे. ओके, ये स्नेक बोट रेस जो है यही भी, ये भी एक्चुअली वेम्बनाड लेक में होता है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जिसको हम कहते हैं. ओके, वल्लम काली या स्नेक बोट रेस जो होता है, इट हैपन्स इन वेम्बनाड लेक इन अगस्त. ओके, उसके साथ साथ ये कुमारकोम बर्ड सेंचुरी जो है ये इसी वेटलैंड के पास ही सिचुएटेड है. ओके, एंड इन दिस वेटलैंड देयर इज वन आइलैंड ऑल्सो विच इज क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड एज अ विलिंगडन आइलैंड. ये सी पोर्ट है एक्चुअली, दिस इज अ सी पोर्ट दैट इज एक्चुअली लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर वेटलैंड. तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स है दैट वी शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द वेम्बनाड लेक. व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? बिकॉज दिस वाज देयर इन द न्यूज सिंस लास्ट वन ईयर. कुछ कुछ जो न्यूज में है वो हम वेटलैंड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके, एंड देन देर इज वन मोर वेटलैंड, या इसको माश वेटलैंड कह सकते हैं, माश है ये, दैट इज नजफगढ़ झील. नजफगढ़ का झील या छोटा सा तालाब है ये माश वेटलैंड एक्चुअली हम वी कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग. अगेन दिस इज अ वेरी पॉल्यूटेड प्लेस एज सच, दिल्ली में है ये. सो वेयर इट इज? इट्स इन दिल्ली, नजफगढ़ लेक. ओके, और इट इज फेड बाय द साहिबी रिवर. सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. इनफैक्ट ये नजफगढ़ लेक जो है ना,
ये एक छोटे से हम कह सकते हैं नाला जो होता है, छोटा नाला, इस नाले से ये यमुना रिवर को कनेक्टेड है। ओके, यमुना रिवर को एक्चुअली कहीं ना कहीं एक छोटे से नाले से कनेक्टेड है, और एक साहिबी रिवर भी है जो इसको एक्चुअली वाटर सोर्स एक्चुअली करता है। तो एज सच कहा जाए तो इट्स अ वेरी पॉल्यूटेड थिंग, बट यू शुड रिमेंबर इट वॉज इन न्यूज। सो साहिबी रिवर, ओके, यमुना रिवर से भी एक नाले से कनेक्टेड है, दिल्ली में है ये, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइग्रेटरी स्पेसीज, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है माइग्रेटरी बर्ड्स का, उसके फ्लाईवे में ही आता है। तो इजिप्शियन वल्चर हो, सरुस क्रेन हो, स्टेफी ईगल है, ग्रेटेड स्पॉटेड ईगल है, इंपेरियल ईगल है, ऐसे कुछ कुछ बर्ड्स यू कैन एक्चुअली सी ओवर हियर। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इस पर्टिकुलर वेटलैंड के बारे में। बाकी ये सेकंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन दिल्ली एनसीआर एंड ऑल, दिस फैक्ट्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, एंड लास्ट वेटलैंड विच वॉज इन न्यूज जो हमने ऑलरेडी देखी है, दैट इज एक्चुअली साक्य सागर। अभी साक्य सागर जो ये जुलाई 2022 में ही एक्चुअली रामसर साइट डिक्लेयर हुआ। ओके, सो वेर इज साक्य सागर? साक्य सागर ऑफकोर्स इज इन एमपी। तो हमने जो लिस्ट देखा था पहले, इट वॉज देयर ऑल्सो। ओके, सो साक्य सागर इज लोकेटेड इन द माधव नेशनल पार्क। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि एमपी में जो माधव नेशनल पार्क है, इसमें ये लोकेटेड है। ओके, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट फिश स्पेसीज है, फिश स्पेसीज को एक्चुअली ये करता है। मगर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर वेटलैंड, माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। ओके, और एक रिवर है दैट इज कॉल्ड द मनियार रिवर। तो ये मनियार रिवर जो है ये इस साक्य सागर से जाता है, ये मनियार रिवर इस साक्य सागर को, इस वेटलैंड को और एक दूसरा वेटलैंड है जादव सागर, इनको कनेक्ट करता है। ओके, इनको बेसिकली कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो ये मनियार रिवर, इसके रिगार्डिंग याद रखिएगा, मगर और जो मार्श क्रोकोडाइल है, दैट ऑल्सो वी एक्चुअली गेट ओवर हियर। अब मगर और ये स्पेसिस के रिगार्डिंग, एंड प्लीज रिमेंबर दिस, विल हैव सेपरेट वन और टू वीडियोज रिगार्डिंग दिस स्पेसिस इन न्यूज ऑल्सो, सो दैट यू डोंट हैव टू स्टडी एनवायरमेंट या ये स्पेसिस जो है बाकी किसी सोर्सेस से। जो न्यूज में स्पेसिस है, जो इंपॉर्टेंट स्पेसिस जो होती है जिसपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके, उसपे भी आपके ऑलमोस्ट टू वीडियोज विल बी रिलीज ऑन दैट ऑल्सो, इन विच विल डिस्कस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल दैट इंडिया हैज, जो सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, जो भी घड़ियाल जो क्रोकोडाइल, विल डिस्कस देयर ऑल्सो। ओके, सो यहाँ भी मगर एक्चुअली पाया जाता है, प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये थी कुछ वेटलैंड्स विच वर इन न्यूज, दैट ऑल्सो वी हैव कवर्ड ओवर हियर। ये भी हमने क्या है यहाँ कवर किया है। अब इस वीडियो रिलीज होने के बाद जो कुछ एक दो महीने के वेटलैंड्स के करंट अफेयर्स हो गए, यू जस्ट गो थ्रू दैट, हाफ एन आवर का आपका वर्क होगा, आप उसमें देख लेना जो भी कोई वेटलैंड अगर कोई न्यूज में है तो। ओके, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली इसमें देखते हैं। व्हाई वी आर, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, व्हाई वी आर एक्चुअली लुकिंग इन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हमने कंटेंट देखा है दैट कंटेंट वॉज इंपॉर्टेंट, और किस तरीके क्वेश्चन जो है वेटलैंड से पूछे जाते हैं। ओके, सो वील कवर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द वेटलैंड ओवर हियर। ओके, सो ये 2014 में देखिए प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेर यू हैड वेटलैंड एंड इससे कौन सी रिवर्स एक्चुअली प्लास होती है और विच रिवर्स एक्चुअली कंफ्लुएंस देयर। ओके, तो हरी के वेटलैंड, केवलादेव घाना नेशनल पार्क एंड कोलोरी लेक। ओके, और यहाँ से कौन सी रिवर्स ये होती है, इसकी करेक्टली हमें पेयर्स मैच करना पड़ा। तो इसमें इसका जो आंसर है ये है हरी के वेटलैंड ओनली, फर्स्ट इज ओनली राइट, बिकॉज यहाँ बियस एंड सतलज रिवर जो है या इनका कंफ्लुएंस होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि विच रिवर्स एक्चुअली पास थ्रू दैट पर्टिकुलर वेटलैंड या विच रिवर एक्चुअली कंफ्लुएंस इन द वेटलैंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट काफी बार होता है। लेकिन सारे 75 वेटलैंड तो हम याद नहीं रख पाएंगे, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में है दैट ओनली वी कैन एक्चुअली गो थ्रू। ओके, तो ये हुआ एक्चुअली यहाँ कहीं ना कहीं हरी के वेटलैंड इसका आंसर है ये। अब इसी तरीके से विल गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इंप्लाई? इसका मीनिंग क्या है कि एक रामसर साइट है उसको आपने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा, तो इसका मीनिंग क्या है? ओके, अब ऑलरेडी हमने ये हमारे क्लास में देखा है कि व्हेनेवर अ साइट इज पुट इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट मीन? कि इस साइट में कोई ना कोई चेंजेस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड और ऑकरिंग और लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड। ओके, तो आंसर यहाँ सीधा ए आ जाता है इसका। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ भी लोगे तो इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये देखने का कोई, इट्स अ वेरी सिली स्टेटमेंट और ईयर। ओके, कंट्री विच इन विच वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट द लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा कहीं नहीं है इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट, हमने पढ़ा भी नहीं है, नहीं तो यू मस्ट हैव, आई वुड हैव एक्चुअली मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये होता है। तो अगर
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इस पे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड एक्चुअली लेक कह सकते हैं, जो एक्चुअली नेचुरल लेक नहीं। तो इसका आंसर जो सीधा होता है दैट इज कोडाईकनाल तमिलनाडु, आंसर इज ए ओवर हियर। ओके नेक्स्ट, अब देखिएगा अगेन अ कॉन्सेप्चुअल वन विच इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड के फंक्शन पे एक्चुअली ये क्वेश्चन। इफ अ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शंस एज अ किडनीज। मतलब अगर रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, जैसे अमेजॉन को हम कहते हैं कि दे आर लंग्स ऑफ अर्थ, देन वेटलैंड्स आर श्योर फंक्शन एज किडनीज, मतलब वेटलैंड जो है किडनी जैसे ही काम करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अबोव स्टेटमेंट। ओके, तो अगर हम कहते कि वेटलैंड तो किडनी जैसा फंक्शन करता है, तो ऐसा कौन सा वेटलैंड का फंक्शन है जो किडनी जैसा, हम कह सकते हैं कि वेटलैंड एक्चुअली फंक्शन एज किडनीज। ओके, तो यहाँ अगर आप देखना, सो यू सी डी ऑप्शन, मैं सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज मेन पर्पज यहाँ इसी का यही है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको समझ में आए। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स वेटलैंड में होती है। ओके, ये क्या करते हैं, हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है, किडनी जैसा फंक्शन करता है, काफी टॉक्सिक मेटल्स है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ जो पोल्यूशन कम करने का फंक्शन है वेटलैंड का, इस पे ये क्वेश्चन है, आंसर वुड बी डी ओवर हियर। तो देखना मैंने कहा कि डिफरेंट जो आप देखना यहाँ पे वेटलैंड्स के रिगार्डिंग, वी हैड सीन द फंक्शंस ऑफ वेटलैंड, बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड के प्रॉब्लम्स क्या है, रामसर साइट्स के रिगार्डिंग हमने कुछ स्टैटिक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के रिगार्डिंग देखा, अब क्वेश्चंस इसी टाइप के एक्चुअली पूछा जाता है। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के वेटलैंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन रिसेंट पास्ट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो 2018 का क्वेश्चन है, तो उस ईयर क्या है, देयर वाज वन सी, वो एक्चुअली न्यूज में था, व्हाई, बिकॉज ये ड्राई अप हो चुका था, उसको वाटर का सोर्स एक्चुअली नहीं था। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर वाज आस्क्ड एंड दैट्स व्हाई टुडे वी एक्चुअली डिस्कस द पंटनाल लेक, जो पंटनाल एक्चुअली वेटलैंड जो है हमने इसलिए आज डिस्कस किया था, क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल वेटलैंड जो ज्यादा न्यूज में होती है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो होता है अरल सी, जो सेंट्रल एशिया में एक्चुअली अरल सी है, ये अरल सी वॉज इन न्यूज बाई बिकॉज इट हैड ड्राइड अप, सो आंसर इसलिए जो होता है हमारा यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर। अब मैं आपको दो और क्वेश्चन बताता हूँ जिसके आंसर आई विल नॉट टेल यू, यू जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू ट्राई टू गिव द आंसर फॉर दैट। ये 2014 का है, ये डायरेक्टली वेटलैंड का क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें वेटलैंड मेंशन है, दिस इज नॉट एज डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द वेटलैंड। तो क्या है ये क्वेश्चन, साइंटिफिक व्यू इज दैट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2% अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3% ऑफ द अबव इंडस्ट्रियल लेवल, वॉट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, इसका वर्ल्ड पे क्या पॉसिबल इम्पैक्ट होगा। तो आई विल नंबर दिस क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर लेट्स से 1। ओके, तो ये असाइनमेंट ए 1 है, असाइनमेंट नंबर 1 है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। You can actually give its answer in the comment section कि इसका answer क्या हो सकता है। तब इसमें wetland mentioned है, all the global wetlands will permanently disappear. That's why I taken up this question here. Otherwise, it's not a direct question on the wetland. And second is actually a direct question on the wetland. 2019 question है. This is also your assignment number 2. You can actually answer that in the comment section. Okay. तो कमेंट में आप A2 और उसका आंसर क्या है ABCD ये आप बता सकते हो। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रीड इट प्रॉपरली एंड देन यू आंसर दिस। देन बाकी जो दो स्टेटमेंट्स है दे आर ऑन द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल ऑफ 2010। ओके, सो वेटलैंड कंजर्वेशन ऑफ रूल ऑफ 2010 के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स है, यू गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो, आप इसका कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर दीजिएगा। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सारे हमने वेटलैंड्स के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। ओके, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें आपको ये A1 क्वेश्चन और ये दूसरा असाइनमेंट नंबर 2 ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर आंसर। चलिए, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब इसी के बाद एनवायरमेंट पे मल्टीपल वीडियोज विल बी देयर। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके दो वीडियोज विल बी देयर, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन शॉर्ट, उसका करंट पार्ट स्टैटिक पार्ट टू वीडियोज विल बी ऑन दैट। ओके, उसके बाद टू मोर लेक्चर्स विल बी इन स्पेसिस इन इंडिया
and multiple such videos will be coming which will be strictly oriented for the prelims 2023. So do watch this video, share with your friends. Okay, chaliye, thank you.